मोठी बातमी आहे. संभाजीनगरच्या सभेत बोलताना शरद पवारांनी शुक्रवारी अमित शहांवर जोरदार हल्ला चढवला. सुप्रीम कोर्टानं तडीपार केलेली व्यक्ती देशाची गृहमंत्री आहे असा टोला पवारांनी लगावला. तर गेल्या रविवारी भाजपच्या मेळाव्यात बोलताना शरद पवार हे भ्रष्टाचारांचे सरदार आहेत अशी घनघात टीका शहांनी केली होती. त्या टीकेला पवारांनी आता उत्तर दिलंय. भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं. आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है. मैं डंके की चोट पर कह कर दे जो आज भी आज देश के हो जिससे ऐसा आदमी है कि जब गुजरात थे वहाँ कानून का गलत इस्तेमाल किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से उनको गुजरात से तजीफात किया था. जो आदमी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तजीफात किया था वो आज देश की रक्षा करने की या देश के होमिनिस्ट्री की जिम्मेदारी लेकर आज दे गए. अब इसलिए हम कहाँ जा रहे ये सोचने का ये समय. दरम्यान माझं बोट कुणाच्या हातात दिलेलं नाही असा टोला त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही लगावला आहे. जब सेना की परिस्थिति थी कि देश के प्रधानमंत्री उनके साथी क्या बातें लोगों के सामने रखते थे कई ऐसी बातें रखते थे कि देश के हितों की रक्षा इसमें होती नहीं थी. कई उनके साथियों ने कई जगह पर हेगड़े नाम का उनका साथी था फादर का मेमोर, उन्होंने बंगलोर में कहा कि हमें 400 फाल सीट चाहिए क्योंकि हमें परिवर्तन करना है संविधान में.